हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग. राधे राधे. वेलकम बैक टू द चैनल. वेलकम बैक टू दिस व्लॉग. हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, हरि बोल. एंड यस, द डे हैज स्टार्टेड. फर्स्ट डे ऑफ श्रावण. आज से श्रावण स्टार्ट हो गया. अधिक मास वाला श्रावण स्टार्ट हो गया है, विच वी आर गोइंग टू कीप, जो मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में भी बताया था. सो अभी आज है दीप पूजा. तो आज हम लोग घर में पूजा होगा, मंदिर में भी पूजा होगा, प्लस जितने भी हम लोग घर में, ये देखिए कल रात को ही दीप्ति ने सारे समय वॉश करके रख दिया है. सो वो है, छोटे वाले सब निरंजन है, वो सब जो चांदी के, वो सब मम्मी पाट के ऊपर रख के उन सबको सजा के फिर उसका पूजा करेगी. नैवेद्य है तो मैंने दाल राइस बटाटा बटाटे की भाजी बॉईल करके रख दिया है. यहाँ मैं पूरी का डो रेडी कर रही हूँ. खीर के लिए मैंने दूध रख दिया गर्म करने के लिए. ड्राई फ्रूट्स कट करके रखा है, राइस को सोक करके रखा है, ये राइस का खीर बनेगा. एंड आई एम ऑल रेडी दिस ब्यूटिफुल कुर्ती विथ ब्लैक पैंट, प्लाजो पैंट है. और अभी सानू को जाऊंगी उठाने के लिए. सानू का स्कूल है, ट्यूशन है, आज मंडे है. सो द वीक हैज स्टार्टेड. दीप्ति हैज गॉन टू वर्क. सो लेट्स सी आज का फुल डे कैसे जाता है. और जैसे मैंने आपको बताया था, मम्मा पूजा करने वाली, तो यहाँ पे मम्मा इज ऑल सेट. मतलब अभी तो पूजा स्टार्ट हुआ है, पूरा कंप्लीट होने के बाद आप देखना कितना सुंदर लगेगा. मम्मा पूरा साइड में रंगोली निकालने वाली है, सारे दियों को जला के उन मतलब प्रॉपर पूजा करने वाली है. तो ये यहाँ का पूजा हो गया है, जो हम लोग का मंदिर का है. अभी मम्मी दीप पूजा करेगी. तो मैं सानू को नीचे ड्रॉप कर आई हूँ स्कूल बस में. और यहाँ पे मेरा सब खाना बना के हो गया, सिर्फ गरम गरम पूरी करना बाकी है. सो मैंने छोटे छोटे पेड़े बना दिया और अभी फटाफट पूरी बनाना स्टार्ट कर दिया है. तेल रख दिया है, जब तक तेल गरम हो जाएगा मेरा एक प्लेट पूरी बेल की हो जाएगा. फिर फटाफट गरम तेल में मैं पूरी फ्राई करने वाली. और आपको पता है, जब तेल अच्छे से गरम होता ना, तो आपका हर एक पूरी अच्छे से फूलेगा, मतलब फूगेगा. तेल अगर गर्म नहीं रहेगा तो फिर वो एकदम चपटा फ्लैट पापड़, ये बोलते ना पापड़, वो कड़क पूरी आता है ना, वैसे बन जाता है. सो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, इतना भी गर्म नहीं कि वो पूरी जल जाए. एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसमें पूरी प्रॉपर गर्म, इसमें आप डालोगे ना तो फूलता अच्छे से. ये मैंने मम्मी से सीखा है, सीख के ही सीखा है. पहले भी मुझे भी इतना नहीं समझ में आता था, बोलते ना प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो वही अभी सीख के मैं सीख गई हूँ. और आपको पता है, पूरी, खीर, येलो बटाटे की भाजी, अचार, पापड़, ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगता है ना. आई जस्ट एन्जॉय वेज फूड. मतलब श्रावण में जो सिंपल वेज खाना होता है ना, वो इतना अच्छा लगता है ना. मतलब ये बटाटे की भाजी के साथ पूरी, खीर, अचार, इतना मस्त लग रहा था. और यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया, डालते ही साथ देखे मेरा पूरी कितने अच्छे से फूल गया है, एकदम अच्छे से कुक भी हो गया है. कलर भी कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन आ गया. ऐसा गोल्डन ब्राउन पूरी हम लोग यहाँ पे सबको पसंद है, एकदम भी डार्क ब्राउन नहीं और एकदम भी लाइट नहीं, ये मीडियम कलर का. आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे जन के घर में वैसे ही पसंद होगा. सो अभी मैं फर्स्ट राउंड ऑफ पूरी फटाफट, देखिए हर एक पूरी मेरा फूल रहा था. मैं आप लोगों को ऊपर से भी कैमरे से दिखाती हूँ. और अभी मैं नैवेद्य का थाली रेडी कर दूंगी. जब मेरा ये फर्स्ट राउंड रेडी करके हो जाएगा ना, उसके बाद मैं नैवेद्य रेडी कर दूंगी. तो मम्मा जब तक नैवेद्य दिखाएगी, मेरा सेकेंड राउंड बन जाएगा. सो ये देखिए पूरी कितने अच्छे से फ्राई हो रहा था, कलर भी उसका इतना अच्छा आ रहा था. तो तेल एकदम प्रॉपर गर्म होना चाहिए आपका. गुड इवनिंग. और ये है शाम का टाइम. सुबह तो मैंने पूरी के लिए जितना डो चाहिए था वो सुबह ही बना लिया था, क्योंकि एक साथ मुझे इतना सारा आटा नहीं गूंदना था. तो अभी मैंने शाम के लिए वापस आटा ले लिया है और अभी मैं वापस पूरी का डो रेडी कर रही हूँ. और निशु को आज है छुट्टी, तो निशु भी है घर पे. और अभी दीप्ति भी आएगी थोड़ी देर में, तो फिर मैं और दीप्ति मिलके पूजा करेंगे. और सुबह मैं एक्चुअली जब सानू को छोड़ने गई थी ना, तभी मम्मी पूजा कर चुकी थी, तो इसलिए मैंने वो कुछ पार्ट शूट नहीं हो पाया, क्योंकि मैं घर में नहीं थी. अगर मैं होती तो मैं शूट करती, इसलिए ना मैं पूजा करते हुए दिखाई दे रही हूँ, ना मम्मी दिखाई दे रही, बिकॉज वो पार्ट शूट ही नहीं हुआ. अभी दीप्ति आएगी तो दीप्ति पूजा करेगी, मतलब क्योंकि वो सुबह नहीं थी. और मम्मी ना सुबह भी पूरा दिया वापस, दिया जला के पूजा करती है, और शाम के टाइम पे भी वापस सेम पूरा दिया जला के वापस पूजा करती है. तो हम लोग के घर में दोनों टाइम होता है, सुबह भी और शाम को भी. और यहाँ पे सानू मैडम आ गई है फ्रिज में ढूंढने के लिए. दिन में 10 बार फ्रिज खोल के देखेगी कि फ्रिज में कुछ है क्या, फ्रिज में कुछ है क्या. और उसको ना पूरी भाजी नहीं खाना, तो मुझे बोल रही थी मम्मी कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए. बट फाइनली उसने खीर पूरी खा ही लिया,
सभी मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट डो हो गया है रेडी करके, और दीप्ति भी आ गई है, अभी दीप्ति गई है फ्रेश होने के लिए एंड देन शील ज्वाइन मी इन द किचन। पता यही बोलते ना, डेली रूटीन होता है, सुबह उठो, काम पे जाओ और रिटर्न आओ, फिर वापस घर का जो भी थोड़ा बहुत बचाओ वो करो। सो मैं आपको दिखाती हूँ शाम के टाइम जब मम्मी ने वापस पूरा दिया बत्ती किया तो कैसा लग रहा था। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं और दीप्ति हम दोनों किचन में अब फटाफट गरम गरम पूरी बना रहे हैं। मतलब आपको पता है पूरी ना गरम गरम खाने में बहुत अच्छा लगता है, बन के रेडी हो और वैसे ही जाके सर्व करो, हाँ क्या मज़ा आता है गरम गरम पूरी खाने में। और हमारे घर में सबको ऐसा गरम गरम खाना स्पेशली निशु और मम्मी को बहुत पसंद है। सो मैं फटाफट बेल रही थी और तेल अच्छे से गरम हो गया था, तो दीप्ति फटाफट पूरी फ्राई कर रही थी। और कैसे हम लोग का इतना फटाफट पूरी बना के भी हो गया ना, सुबह के क्वांटिटी से शाम का क्वांटिटी ज़्यादा था, क्योंकि सुबह से मैं मम्मी मैं मम्मी सानू और डैडी थे, शाम को तो दीप्ति भी थी निशु भी थे, तो क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा था। बट फिर भी दीप्ति के साथ बोलते ना गप्पा मारते मारते कब टाइम निकल गया और फटाफट पूरी भी रेडी हो गया, पता भी नहीं चला। सो दिस ओनली हैपन्स व्हेन यू एन्जॉय समवन्स कंपनी ना, यू फील नाइस चैटिंग विद दैट पर्सन एंड स्पेंडिंग द टाइम। फुल डे वो ऑफिस रहती, जब शाम को आते थे हम लोग बस गप्पा मार के पूरी बना रहे थे। ये देखिए दीप्ति का भी पूरी कितने अच्छे से फूल रहा था, सेम जैसा मेरा सुबह हो रहा था वैसे ही उसका, इसलिए तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सो मैंने दीप्ति ने मिलके फटाफट पूरी कर लिया और डिनर भी कर लिया। सो आफ्टर द फुल डे आज निशु को एक छुट्टी, तो हम लोग का हो गया डिनर, मूवी देखते हो गया। कौन सा मूवी था वो? स्पाइसी, लिटिल स्पाइसी मराठी मूवी है, वो देख के हो गया। दीप्ति गई फ्रेश होने के लिए, तो शी नॉट कमिंग विद अस, थकी हुई भी है और सुबह वापस जल्दी उसको उठना है। तो वी आर जस्ट गोइंग फॉर अ राउंड, क्योंकि सानू बोल रही है पापा का छुट्टी, तो यूजुअली पता है ना निशु को छुट्टी रहता है तो हम लोग जाते बाहर, और अभी बारिश भी है तो कहीं जाने जैसा भी नहीं था। तो निशु बोले ठीक है चलो एक राउंड मार के, मे बी विल टेक आइसक्रीम विद अस, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, अब तो पहले निकलते हैं क्योंकि बारिश अच्छे से रुक गया बिल्कुल भी नहीं, फिर भी हम लोगों ने दो छतरी ले लिया है। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी क्या होता है। बट मैं इस ब्लॉग को तो फिलहाल एंड कर रही हूँ, आगे कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय, वेरी गुड नाइट एंड सी यू।